अस्सलाम वालेकुम। रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन और रेनोवेशन के बाद पेश खिदमत है सैयद शबिस्तान रिजॉर्ट ताउबट। खुश आमदीद कहेंगे जी आज के स्पेशल वीडियो में उन लोगों के लिए जो नीलम वैली के आखिरी पॉइंट ताउबट के लवर हैं, ताउबट को देखना चाहते हैं। सैयद शबिस्तान रिजॉर्ट एक दफा फिर से आपकी मेजबानी को तैयार है। आपको व्यू दिखा देता हूँ। पुरानी वीडियो में मैंने कुछ दिखाया था 2 साल पहले, लेकिन इस दफा तो कुछ नया है, कुछ यूनिक है। चारों तरफ से पहाड़ और फिर बीच पहाड़ों के सैयद शबिस्तान की खूबसूरत लोकेशन। दोबारा पुरानी यादें भी ताज़ा कर लेते हैं और 2 सालों में क्या कुछ बदला है वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए टी पॉइंट को इन्होंने अब प्रॉपर डाइनिंग हॉल में कन्वर्ट कर दिया, और ये आगे एक और छोटा टी पॉइंट बना दिया, झूले लगा दिए इन्होंने, और इसके साथ साथ जी रिसेप्शन बना दिया। ये देखिए इनका रिसेप्शन, वाह जबरदस्त, शाह साहब खुद यहाँ बैठते हैं। इनका रिसेप्शन ही इतना खूबसूरत है कि बंदा उस तरफ जाए ही ना। लेकिन नहीं, मैं आपको इनका रूम जरूर दिखाऊंगा। और 2 सालों में देखें बशीर भी बड़ा हो गया, हंस रहा है। बशीर रुको, हम आपको दिखाना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं बशीर कितना बड़ा हो गया है। ये बशीर है जी, सर्विस देता है। बशीर हवा यू फाइन ना, ठीक हो आप, बड़े हो गए 2 साल में। चलो हमें रूम का विजिट करवाओ। और बशीर निकलो आगे, चलो। चलिए जी मैं आपको रूम दिखाता हूँ। अच्छा मैं आगे जाऊँ, ओके जी। मैं टॉप से आपको व्यू भी दिखाऊंगा और साथ में एक आध रूम का विजिट कर लेते हैं। एक्सटेंशन दिए इन्होंने, रूम्स बड़े कर दिए हैं और साथ साथ रूम ज़्यादा भी कर दिए हैं। चलिए जी, फुल कारपेट है, रूम्स में भी कारपेट लगी हुई है प्रॉपर। पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगा, ये देखें एक्सटेंशन के बाद क्या खूबसूरत नज़ारे। ये टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर से सामने के नज़ारे यार नीट एंड क्लीन। इनकी सफाई मुझे बहुत पसंद है, देखें हर चीज़ साफ सुथरी है। और बाहर इन्होंने शीशा लगा दिया जिसमें आप बहुत आसानी से मुझे भी देख सकते हैं, यानी मुझे बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। बशीर आ जाओ, बशीर ये रहा बशीर हमारा, और हमेशा से हमारा खिदमतगार होता है। चलो बशीर रूम दिखाओ यार। बशीर अभी सुबह का वक्त है, जस्ट चेकआउट हुआ है। ये देखें जी एक्सटेंशन के बाद फुल वुडन कॉटेज है, लकड़ी की खुशबू क्या बात है। एक इन्होंने किंग साइज बेड लगा हुआ है, साथ में एक सिंगल बेड है, ये चेक करें। इन्होंने भी ट्रेडिशनल टच दिया हुआ है, साथ में ये एक छोटा सा इन्होंने स्टोर रूम भी आप कह सकते हैं, और यहाँ पे भी अगर मैट्रेस लगाया जाए तो एक बंदा सो सकता है। और ये बैक व्यू आपको दिखाऊंगा, ये ताउबट के नज़ारे, यानी आप अपने रूम की बैक साइड से अगर देखें तो ताउबट कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। हाँ जी, वॉशरूम तो देखना बनता है, ये रहा इनका वॉशरूम। वाह वाह, साफ सुथरा बिल्कुल, 24 आवर गर्म पानी है, ये देखें। और ये अच्छा है कि इन्होंने दोनों सीट्स लगाई हुई हैं, इंडियन भी है, कमोड भी है। यार एक दफ़ा से ना आपको लगेगा कि आपका फैसला ताउबट आने का और सैयद शबिस्तान को चुनने का बहुत अच्छा है। वाइट बेडशीट के साथ ये भी बहुत अच्छा है यार। और ये देखें सामने का व्यू, इस तरफ का व्यू, बैक साइड का व्यू, और हमारे बशीर का व्यू। बशीर तो फिर ज़ाहिर है बशीर मशहूर आदमी है, जानते हैं लोग इसको। हाँ चलिए जी, मुझे लाजमन बताइए ताउबट की रेनोवेशन के बाद आपको कैसे लगे यहाँ के नज़ारे, इनके रूम्स कैसे लगे। आपका इस दौरान अगर एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पे तो आपको कैसा रहा वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप नेक्स्ट टाइम आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं नंबर डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर इनसे रब्ता करें और तशरीफ़ लाइए ताउबट की हसीन धरती पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।